जैसे ही हम अपने ब्राउजर पर ये eprevesh.mponline.gov.in ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी ये लिंक हम यहाँ पर ब्राउजर में पेस्ट करते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं, वैसे ही आपके सामने ये विंडो ई प्रवेश की विंडो जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की है ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें ये एक टैब दिया हुआ है ई प्रवेश स्टूडेंट प्रमोशन, ये टैब आपको दिख रहा होगा। इस टैब में ये देखिए दो प्रकार की लिंक दी गई हैं, एक यूजी के लिए है और एक दूसरी लिंक जो है वो नीचे वाली वो पीजी के लिए है। पहली लिंक जो है वो यूजी के लिए है, दूसरी पीजी कोर्सेज के लिए है। यदि आप यूजी कोर्सेज कर रहे हैं तो आप इस लिंक के माध्यम से जाएंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये हम एक एक्सटर्नल लिंक पर आ गए। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये दिख रहा है, मैं यह घोषणा करता हूँ कि ये जो यहाँ सूचना है निर्देश में मेरे द्वारा दी गई है मैंने सब पढ़ लिया है और ये पूरी सही है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये अगला स्टेप दिखेगा, इसमें स्टूडेंट प्रमोशन फॉर यूजी ये दिखेगा और इसमें डेट दिखाई दे रही है 1 अगस्त से 30 सितंबर, जो कि लास्ट डेट अभी 30 सितंबर है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये यूजी के लिए है, यूजी के लिए आप पहली लिंक से। अब हम पीजी के लिए भी देख लेते हैं, ये हमने पीजी की लिंक भी किए तो इसमें भी सेम विंडो ओपन होगी, उसमें भी वही निर्देश कि मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं बिल्कुल सही हैं, वो निर्देश आपको ओके करना है। उसके बाद आपको पीजी पर भी ये 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो ये दोनों लिंक हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्नातक की लिंक पर। स्नातक की लिंक अब हम खोलते हैं, हमने ये इसको ओके किया, यहाँ पर हमने आई एग्री किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ गया जिसमें वो क्या मांग रहा है, एनरोलमेंट नंबर, जो आपका नामांकन क्रमांक है, विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, ये विश्वविद्यालयों की सूची है। इन विश्वविद्यालय में अगर आप अध्ययनरत हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अगला होगा आपका ईयर, यहाँ पर यहाँ आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जो भी आपका ईयर उसको सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक एनरोलमेंट डालते हैं और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके एक डेटा हमारे पास है उसको हम भरते हैं। यहाँ पर हमने कैप्चा कोड डाला और ये इसको खोला, तो ये फॉर्म देखिए आपके सामने खुल गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट प्रमोशन और यूजी, तो ये बीकॉम का छात्र है, इसका प्रमोशन फॉर्म खुल गया। हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक किया और प्रोसीड फॉर पी पेमेंट पे किया, तो यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम भी दिखाई देगा कि आप किस कॉलेज के लिए ये इसको भर रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेमेंट पेज पर आपको ले जाएगा। अब यहाँ पर एम बी ऑनलाइन के माध्यम से आप या तो साइबर कैफे जाते हैं तो वहाँ एम बी ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर घर से ही नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI, वॉलेट, इन सब चीज़ों से आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से करने के लिए ये इतने सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, उसके बाद IMPS है, UPI है और ये UPI में Paytm है, इसके अलावा और भी इंटरफेस हैं। इसके बाद हम वॉलेट में जाते हैं, वॉलेट में हम पेमेंट Paytm से आपको करके दिखाते हैं पेमेंट। ये हमने Paytm के लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये आपसे एक बार और कन्फर्मेशन मांगेगा कि आप जो है एप्लीकेशन नंबर वगैरह देकर कंफर्म करें, देन आगे बढ़ेंगे तो ये 530 रुपये पेमेंट के लिए ये QR कोड जनरेट हो गया। यहाँ पे आपको QR कोड जनरेट होगा, उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे, अपने किसी भी ऐप से कर सकते हैं जो भी आपके पास है, गूगल पे है, फोन पे है, Paytm, इसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा।